नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाल ही में ईरान के नजदीक आकर जहां पाकिस्तान इतरा रहा था, वहीं चीन दुनिया को यह बता रहा था कि कैसे ईरान उसके इशारों पर चलने वाला है। लेकिन अब भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि भारत अब ईरान के साथ चाबहार पोर्ट से जुड़े समझौते को अंतिम रूप देने वाला है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसको लेकर ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान के साथ भारत के इस अहम कदम को पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि अब भारत और ईरान के बीच एक अहम डील होने जा रही है। इस डील से भारत के पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। भारत अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार पोर्ट के प्रबंधन को लेकर ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। डील होने के बाद चाबहार पोर्ट का प्रबंधन 10 वर्षों के लिए भारत को हासिल हो जाएगा, यानी भारत 10 साल के लिए उसे हासिल कर लेगा। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है, भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा, यानी फायदा होगा, जिसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच इस डील से बड़े क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल जाएगा। चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत के प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है, जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी ये भारत और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता है। खास बात है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे कई मध्य एशिया के देश इंडियन ओशियन रीजन तक पहुंच हासिल करने के लिए चाबहार का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। कहा जा रहा है कि इस बंदरगाह का फायदा उन भारतीय व्यापारियों और निवेशकों को होगा जो मध्य एशिया के बाजारों को लेकर दिलचस्पी लेते हैं। इधर पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा है कि मध्य एशिया के देश ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट का इस्तेमाल करें। वहीं भारत मध्य एशिया के देशों को संकेत दे रहा है कि चाबहार उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत बेहद कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, इसी वजह से चीन ने ग्वादर में भारी निवेश किया है। बलूचिस्तान के लोग लगातार चीन का विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों चीन इसमें निवेश कर रहा है। ग्वादर और चाबहार के बीच करीब 172 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ही बंदरगाह काफी बड़े हैं, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बना या बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हुमुज जलमार्ग के बहुत करीब है। इससे चीन आसानी से हिंद महासागर तक पहुंच सकता है। यहां से चीन भारतीय नौसेना के अलावा अरब सागर में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर भी नजर रख सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर भी चीन नजर रख सकता है। इसलिए ग्वादर बंदरगाह कई मायनों में भारत के लिए चुनौती रहा। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ भी इस बात की आशंका जता चुके हैं कि यहां से चीन की जासूसी गतिविधियां बढ़ेंगी। चीन इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका की नौसेना की जासूसी करने में सफल होगा, इसलिए उसने पाकिस्तान के ग्वादर में पैसा लगाया। ग्वादर भारत के लिए सीधा खतरा था और इसका केवल एक ही जवाब था, वो था चाबहार पोर्ट। इतना ही नहीं, भारत ने चाबहार में 213 किलोमीटर लंबी जरांज दिलाराम सड़क का भी काम पूरा कर दिया है। ये सड़क अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से निकलती है। इस सड़क ने ईरान को चाबहार मिलाक रेल मार्ग को अपग्रेड करने में मदद की है। चाबहार पर भारत की मौजूदगी से साफ है कि वो चीन के सामने इस हिस्से में कमजोर नहीं है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये जगह बलूचिस्तान के दक्षिण में स्थित है। चाबहार एक ऐसा अकेला बंदरगाह है जो भारत को ईरान तक जाने का सीधा रास्ता मुहैया करवाता है। ये कई देशों के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं, साथ ही ओमान और फारस की खाड़ी के भी बेहद करीब है।
जो कि भारत को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा और चीन और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल साल 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबहार का दौरा किया था तब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं 2018 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत आए तो दोनों के बीच बंदरगाह को लेकर और उसमें भारत की भूमिका को लेकर बातचीत की गई थी। इस मुद्दे पर 2024 में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के तेहरान दौरे के दौरान बातचीत हुई। बीते साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच चाबहार को लेकर चर्चाएं हुई थी। इसके बाद गाजा संकट को लेकर हुई बातचीत में भी दोनों नेताओं के बीच चाबहार का मुद्दा उठा, जिसके बाद से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी और एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट की अहमियत को एकदम कम कर देगा, जिससे भारत को फायदा होगा और चीन और पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा और यही भारत की बड़ी जीत होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।